गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रुचि एंड इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग। और आज हम लोग एलिफेंटा बीच जा रहे हैं जहाँ वाटर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और वहाँ के लिए एटलीस्ट आपको 4 to 5 hours चाहिए होते हैं। सो जाने में कितना टाइम लगेगा दैट आई रियली डोंट नो, बट आई एम सो एक्साइटेड टू ऑल द वाटर एक्टिविटीज़। ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन हैवलॉक, जिसका नाम अब सुभाष दीप हो चुका है। बेसिकली अगर आप हैवलॉक आते हैं तो यहाँ 3 मेन बीचेस हैं। फर्स्ट वन इज राधानगर बीच, सेकेंड वन इज कालापत्थर बीच एंड थर्ड वन इज एलिफेंट बीच, जहाँ आज हम जा रहे हैं। एलिफेंट बीच अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर है और यहाँ पर स्पेंड करने के लिए आपको 3 to 4 hours मिलते हैं। और इसी टाइम में आपको जो भी वाटर स्पोर्ट्स करने हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप एलिफेंट बीच पर जाकर किसी वाटर स्पोर्ट के लिए टिकट बाय करते हैं तो आपको एक बहुत लंबी क्यू में लगना पड़ेगा और जिसमें आपका मोस्टली टाइम निकल जाएगा। तो बेटर है कि आप हैवलॉक से ही टिकट एडवांस में बाय करें, जिस बीच से आप जा रहे हैं एलिफेंट बीच, उसी बीच पर जगह जगह टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, तो आप वहां जाकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हर एक्टिविटी के लिए 600 rupees पर पर्सन आपको चार्ज देना पड़ेगा। और इन केस आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं टाइम कम रहने की वजह से, या आप किसी वजह से अपने प्लान को ड्रॉप कर देते हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ की आपको कैशबैक मिल जाएगा। पर मेक श्योर स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग एंड पैरासीलिंग, इनका आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है इनके एडवांस में टिकट बाय ना करें, आप वहीं जाकर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करें कि वहाँ आप कैसे करेंगे या क्या करेंगे। एलिफेंट बीच जाने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट ट्रैकिंग, जिसमें आप जंगल के बीच से होकर निकलते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और उस प्लेस पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर मेंशन है 1.8 kilometers। तो मैक्स आपको वहाँ से उस पर्टिकुलर प्लेस से 20 to 30 minutes लगने वाले हैं हार्डली, और आप एलिफेंट बीच पहुँच जाएंगे। बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि आप जंगल में कहीं गुम हो जाएंगे, देन यू कैन हायर अ गाइड जो 500 rupees के अराउंड आपसे लेगा। बट यू विल एक्सप्लोर अ लॉट थ्रू द जंगल। इफ़ यू कैन डू, देन दिस इज़ अ बेस्ट वे टू गो टू एलिफेंट बीच। पर उसके लिए आपको ट्रैकिंग बिफोर 1 o'clock स्टार्ट करनी होगी। ट्रैकिंग टाइम एक्चुअली 8 in the morning to 1 o'clock ही है। ये लैंड एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो वो लोग 1 o'clock के बाद अलाउ नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ आप पोर्ट जाकर जेटी ले सकते हैं, जैसे हफ्ते ली है, जिसके लिए आपको 950 पर पर्सन पे करना होगा। बट साथ में स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री है एंड 20 minutes लगते हैं टू रीच। एक्चुअली हमने जेटी इसलिए की क्योंकि हमारे साथ प्रखर और मॉम थे और उनके साथ ट्रैकिंग वॉज कंपैरेटिवली मोर डिफ़िकल्ट, तो ये एक रीज़न था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जिस जेटी से आप जाते हैं आप उसी जेटी से वापस आते हैं, और एक जेटी में मैक्स 10 लोग आते हैं और उन्हीं 10 लोगों के साथ ही आप वापस आते हैं। आपको एक पर्टिकुलर प्लेस दिया जाता है, वहाँ तक आपको विद इन टाइम वापस आना पड़ता है क्योंकि एलिफेंट बीच पर स्टे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेक श्योर विद इन टाइम आप वापस आ जाएं। फाइनली हम आ चुके हैं एलिफेंट बीच, और ये है ब्यूटीफुल एलिफेंट बीच जहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी, लाइक चेंजिंग रूम, वॉशरूम्स, खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, जूसेस, फ्रूट्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और है, यहाँ टूरिस्ट पुलिस काउंटर भी है, यदि आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये कैप्चर करने में लगी हुई हूँ कि यहाँ और है क्या क्या, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। एंड हियर इज़ माई क्यूटी पाई प्रखर ऑन पापा शोल्डर। आपको नॉर्मली हर एक चीज मिल जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला हाथ है ये चेंजिंग रूम है, ये लेडीज का है, उससे आगे आपको जेंट्स का मिलेगा, सेम है, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट।
उससे आगे आपको लॉकर फैसिलिटीज मिलेगा जो चार्जेबल है, और यहाँ पे आपको वॉशरूम एंड शावर मिलेगा जो रूम कलर, ये भी चार्जेबल है। आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसमें से एक एक्टिविटी स्टॉकिंग जो यहाँ पे होता है आप देख सकते हैं, और ये सारे स्टॉकिंग का काउंटर। तो अभी देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो स्टॉकिंग होता है एक सर्फेस वाटर एक्टिविटी, आप वाटर के फिलहाल ये लाइफ जैकेट मैं जेट स्की के लिए पहन रही हूँ, एंड मैंने काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया बट मैं सबको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लिए कैमरा होल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा था, एंड वाटर प्रूफ कैमराज डिफरेंट होते हैं, मेरा वाटर प्रूफ नहीं था तो मैं सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। मैंने सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, पैरासीलिंग इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसे मैं बाद में अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी भरपूर प्यार दीजिएगा जैसा अभी तक आप मेरी सारी वीडियोज़ को देते आए हैं। एक्चुअली मैं इसमें ऐड करती तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती वीडियो, जो आई एम श्योर आप लोग नहीं देखते या देखते। ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि आप मेरी लॉन्ग वीडियो को देखते या नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। यदि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ प्रूफ मी रॉन्ग कि आप लोग देखते। एंड दिस मच फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।